क्या करने गया, क्या करके आया। तो ये ईटानगर के लिए बहुत बड़ी बात है, खास करके आप मीडिया बंधु को सबसे पहले नमस्कार करता है और सारा ईटानगर वासियों को जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आते हैं। देखिए, यह हमारा 9 दिन का दौरा रहा, ये 9 दिन का हेक्टिक दौरा रहा दिन रात का। उसमें सारा हमारा ULB अरुणाचल प्रदेश इलेक्टेड बॉडीज, ईटानगर ही नहीं था, पासीघाट वाला भी था। हम लोगों ने 2 प्रोग्राम किया, एक ऑफिशियल प्रोग्राम था कि चुनाव जीतने के बाद एक कैपेसिटी बिल्डिंग का ट्रेनिंग होता है, दूसरा एक एक्सपोजर टूर। खास करके एक्सपोजर टूर का बारे में आप लोगों को मैं पब्लिक में बता दूंगा आपका माध्यम से। एक्सपोजर टूर हम लोगों ने एक तो इंदौर शहर देखा, जो इंडिया में कंटिन्यूसली 5 बार जीता सफाई के बारे में। उसका सिंपल मंत्र है, 5 बार कैसे जीता इंडिया में इंदौर स्थित। सबसे पहला भाग्यदारी जन आंदोलन, इंदौर का पब्लिक रिक्शा वाला से लेके गवर्नर तक कोई भी कागज गिरता है तो अपना पॉकेट में डाल के, अपना बैग में डाल के जाता है, चाहे वो चपरासी हो चाहे वो रिक्शा वाला हो। एक जन आंदोलन किया, एक अपना सोच को बड़ा कर दिया। ऐसा कुछ जादू नहीं है, हम लोग जैसा ही आदमी है इंदौर में भी। उन्होंने 5 बार इसलिए जीता कि हमको वार्ड मेंबर होता है, हमारा कॉरपोरेटर होता है, हमारा कमिश्नर्स होता है, वही लोग पूरा जादू करता है, ऐसा नहीं है। सरकार का भी भागीदारी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पब्लिक का है। तो एकदम सिंपल वे में आप लोगों को बता दे रहा है, 5 बार वो लोग इसलिए जीता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा भागीदारी पब्लिक का है। दूसरा बात, हम लोग जयपुर शहर देखा, 300-400 साल पुराना, आप देखिए राजा महाराजा का समय से कैसे वो लोग नदी नाला को संभाला है, कैसे करके वो अभी NGT जो हमारा 2016 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज कर रहा है, उसको NGT का जो नियम को कैसे लागू कर रहा है, दूषित पानी को सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान में, आप लोग बीच में सोशल मीडिया में देखा भी होगा, हम वहाँ से बहुत फ्लैश आउट किया है। हम ईटानगर और नाहरलगन और बंदरदुआ वासी को हम ये बताना चाह रहा है हम लोगों को समय में, कि यहाँ के होटल से जो पानी आ रहा है, जो हॉस्पिटल से पानी आ रहा है, घर से पानी आ रहा है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेगा, और वो धनराशि कहाँ से आता है, सेंटर से कहाँ से आ रहा है, स्टेट से कैसे मैनेज करता है। तो जिस शहर में आदमी का टाउन साफ हो, टाउन साफ होने का सबसे बड़ा मीनिंग होता है कि आपका बीमार कम पड़ेगा। आप बीमार माने सारा ईटानगर सिटी। हमारा यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अपना घर साफ करेगा, आप कागज़ को दूसरा का घर में फेंकेगा, वहाँ ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम आप लोगों को ये आपका माध्यम से ये संदेशा देना चाहता है कि हम लोगों को लिटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, अपना साफ सुथरा तो रहना है और औरों को भी गंदगी नहीं करना है। दूसरा, जहाँ तक हमारा सेवरेज ट्रीटमेंट का प्लान का सवाल है, सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान का सवाल है, हम लोगों को सरकार, हमने कल हमारा चीफ मिनिस्टर के साथ कल हम लोग बैठक किया, किरण रिजिजू जी का साथ हम लोग तीनों ने बैठक किया कल, वो दोनों तैयार है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ आज उसका मीटिंग है वाराणसी में, आज उसका दौरा में गया, मुझे भी बुलाया था, मैं इसलिए नहीं जा पाया कि हम लोग लिटरली दिन रात नहीं सोया, रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक बैठता, सुबह 2 बजे जाना पड़ता। और आपको एक बात बता दूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो सरकारी ढांचा है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ में 2 आवर्स, आप सोचिए, कॉलेज में हम लोग 35 मिनट किया था, फिर यूनिवर्सिटी में 45 मिनट का क्लास था, इत्तेफाक से अभी इतना उम्र में 2 आवर्स का क्लास रहा, इतना नींद भी आ जाता, आधा मुरा होता, लेकिन वो सीखना पड़ेगा, वो क्लास को नहीं सीखने से हम यहाँ पब्लिक को सिखाना नहीं सकेगा। इसलिए हम लोग मेहनत करके, इतना तकलीफ करके, कॉरपोरेटर अपना छोटा छोटा बच्चा, 6-6 महीना का बच्चा को ले गया वार्ड नंबर 9 का कॉरपोरेटर। आपको मालूम है इंडियन आइडल में अभी कोई छोटा बच्चा लेके ओ ये प्रोग्राम कर रहा है, ओ एक शिक्षा दे रहा है, एक सीख दे रहा है कि वो लोग क्या कर सकता है बोल के। इसलिए हमारा कॉरपोरेटर ने नन्ना मुन्ना बच्चा 6 महीना का बच्चा को लेके गया। तो कुल मिला के मेरा आप लोगों को संदेशा ये है, अभी इन डिटेल हम लोगों का एक्शन होगा, ये एक्सपोजर टूर में कैसे सिटी को साफ करता है आप लोगों को हम दिल से बताता है, हम नमस्कार करके बताता है कि अपना सिटी को, इंदौर सिटी को कोई भी साफ़ नहीं करता है, वहाँ का सिटी का आदमी साफ करता है।
रिक्शा ठेला वाला से लेके गवर्नर तक, हम दोबारा से बोल रहे हैं, सबसे बड़ा भागीदारी जन आंदोलन, और वो लोग का सोच साफ है। हम लोगों को भी करना क्या है, सरकार का भाग सरकार करेंगे, म्यूनिसिपल का भाग म्यूनिसिपल पूरा करेंगे, गाड़ी बैठाना, कचरा उठाना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तैयारी करना अभी IMC करेंगे। लेकिन जन आंदोलन, जन भागीदारी, जन का जो जन आंदोलन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको पब्लिक ही करना, जनता ही करना पड़ेगा। इसलिए ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोग काइंडली जनता लोग को हमारा मैसेज है, ईटानगर से लेके चिंपू से लेके आपको बंदरदेवा तक कोई भी इशू होगा, अभी हम लोगों का एक तो वहाँ में देख के आया 311 करके एक एप्स बनाया, अभी IMC से भी एक एप्स जारी होगा, उस एप्स में आप कहाँ में कचरा एक पीस गिरा है, किस में गाड़ी खराब हो गया, कहाँ में क्या चाहिए, वो एप्स का जरिए से चलेगा। कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये एक्सपोजर टूर जो है बहुत बड़ा सफलतापूर्वक रहा, बहुत बड़ा लाभदायक रहा, और आगे हम लोग ज़्यादा भाषण नहीं करके इन एक्शन हम लोग कल से ही शुरू करेंगे नेक्स्ट डे से। अब वहाँ आगे था इसलिए सबसे पहले मैम ये मैं बता रहा हूँ, हमारा सिटी को साफ करने के लिए जन आंदोलन आपका सोच साफ होना है, पब्लिक से पहले शुरू करना है, हम लोग का भाग को हम लोग कमर कसला काम करेंगे। CM भी रेडी है, दिल्ली वाला भी रेडी है, हम लोग भी तैयार है, सिर्फ सपोर्ट जो है पब्लिक को देना है, अपना घर को साफ करके अगला का घर में नहीं फेंकना है, और सोशल सर्विस से नहीं होगा, आपका दिल से डेली काम करना है, डेली सपोर्ट करना है, तब जाके साफ होगा। सबसे पहला स्टेप तो ये कि हम लोग मिल के साफ करेंगे, और दूसरा हम लोग अभी एक एप्स क्रिएट करेंगे, उस एप्स में जो आप पब्लिक से नहीं कर पा सकने वाला, जैसे हम थोड़ा पहले बताया इंदौर 5 बार कंटिन्यूस मिला, आप सुना नहीं है, वो कोई भी कागज़ देखेगा वो उठा लेता, हर कोई 10 आदमी से नहीं होगा, 20 आदमी नहीं करेगा साफ नहीं होगा, हर कोई करना पड़ेगा इस जन आंदोलन में, इस भागीदारी को हर कोई कर लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके लेकिन जो पब्लिक नहीं कर सकेगा उसको अभी स्वीपिंग करेगा, पिकिंग करेगा गार्बेज को, लिफ्टिंग करेगा, और वहाँ कंप्लीट प्लांट बैठाएगा, वो IMC करेंगे। एप्स अभी हम लोग पहुँचा, मेरा सारा टीम जो ऑन द वे है, वो डिब्रूगढ़ फ्लाइट मैक्सिमम ने लिया, कोई किसी ने ट्रीटमेंट करने के लिए रह गया, आप बहुत होने से भी 3-4 महीना नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट वीक से हम लोग एप्स के लिए आप लोगों को मैं दावत दे रहा हूँ, मेरा ऑफिस में आइए, हमको कम से कम लगे रहिए। और आज से हम लोग का जो गाड़ी का इशू था ना, हम लोग ने नया गाड़ी 26 नया गाड़ी बुक किया, हम लोग मेन पावर को भी बढ़ाया, उस दिन भी बता दिया, जब फिर गाड़ी का लॉन्चिंग के लिए भी आप लोग बता दिया, कम से कम हम लोग गाड़ी और ड्राइवर मेन पावर बढ़ा दिया, पहले जो बहुत हालत खराब था उससे हम लोग थोड़ा उभर के आ गया। अभी हम लोग एक साइकोलॉजी करेंगे, उसका सबसे बड़ा भागीदारी आप लोग होगा मीडिया फ्रेंड्स, और अभी मेरा मीडिया बाइट आप लोग देखा होगा, हमने वो वाला इंदौर वाला को भी बोला है, भारत को साफ, मोदी जी को विश्व गुरु बनाने के लिए सिर्फ SBM में स्वच्छ भारत मिशन ही एक मंत्र था, लेकिन इंदौर साफ होने से सिर्फ नहीं होगा, हम बोला है हम लोग उस प्रदेश से आता है जहाँ सूर्य देवता सबसे पहले हम लोगों को दस्तक देता है, इसलिए इंडिया साफ होने के लिए अरुणाचल भी साफ होना बोला, वो लोग भी बहुत खुशी लगा है, बोलने में हम पीछे नहीं करता, इसलिए वो लोग भी बहुत खुश है। आप लोग को हम हमेशा से ही बुलाएगा, सबसे पहले तो हम लोग ये सप्ताह का अंदर ही हम लोग जल्दी जल्दी बैठक करके एप्स क्रिएट करेगा, गाड़ी घोड़ा का तैयारी हो रहा है, और आगे जो सपोर्ट करना है आप लोग करते रहिए, और पब्लिक को इसको अच्छे से बता दीजिए प्लीज़, थैंक यू। मैम मैंने बता रहा था हम लोग गाड़ी को जिंगल बेल करता है सुबह, हर पॉइंट में हम लोग देता है, हम लोग बहुत जगह में देखा है, आइडेंटिफाइड एरिया करके वहाँ कचरा धोता है, वहाँ कोई भी सही ढंग से लिफ्टिंग और गार्बेजिंग नहीं करता था पहले। अभी आपने बताया कि पब्लिक को ये कंटेनर चाहिए, सच्ची मायने में बोले तो हम आपको एकदम स्पर्श करने दिल नहीं है, यहाँ में बहुत कंटेनर भी आता है लेकिन एवरी नेक्स्ट डे में कंटेनर भी गायब हो जाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था हम ज़्यादा हित करने जरूरत नहीं, सोच बदलना पड़ेगा, वो कंटेनर गायब नहीं करना है, और अभी क्या बोलेगा, डिग्रेडेबल को नॉन डिग्रेडेबल को अलग करना है, दुनिया में ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जो ऑटोमेटिकली एकदम जादू जैसे करेगा, आदमी पहले करना पड़ेगा, हर घर से शुरू करना पड़ेगा, लोहा को अलग कंकर, लोहा कंकर तो सब बेचने वाला है,
सिर्फ प्लास्टिक हो गया, डिग्रेडेबल भी सच्ची में बोलने से वो लोग जो है बायोडिग्रेडेबल जो है पूरा खाद का घर में काम हो जाता है, सच में करेगा बोलने से। कुछ कुछ सब रिसाइकिल वाला जो रह जाता है, प्लास्टिक होता है, कुछ कागज़ होता है, वो लोग ही IMC को दे देने से IMC सक्षम है उसको करने के लिए। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ हम लोग का सोच अलग है। लोहा लक्कर ओ पत्थर ये सब को कभी कभी मिसल करके दे देता है, कोई मशीन इसलिए नहीं चलता है। इसलिए मैंने जन भागीदारी बोला, एप्स में हम लोग आगे करेंगे। सब बात अभी बोल नहीं पाएगा और एकदम से भी नहीं होगा, आस्ते आस्ते शुरू करेगा, लेकिन आप लोग का नंबर वन सपोर्ट चाहिए। खास करके IMC जो है हमेशा एक दिन भी मीडिया को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम तो दिल से आप लोग को बाय गॉड बोलता है, आई लव आई रिस्पेक्ट व्हाट इज कॉल्ड आई एडोर यू ऑल गाइस मीडिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान आप लोग को इंटरेस्टेड होने से हमारा ये किपाल ओरम जी है, इसका सेगमेंट में वो NGT से भी 2 किलोमीटर अवे है हाईवे से, फिर अपना जमीन उन्होंने अपना से मेहनत करके एक्वायर कर लिया, अभी उसमें 8 कटिंग चल रहा है, हम लोग लैंड डेवलपमेंट कर देना। आप सबको मालूम है ईटानगर में क्या इशू चल रहा है, एक रिजर्व फॉरेस्ट बोल रहा है, एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल रहा है, ये बहुत ही बड़ा इशू है। अभी NGT जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बोलने से अभी तो बात लंबा हो जाएगा हम लोग को, इसलिए इन्होंने मेहनत करके एक ज़मीन खरीद लिया वो जो है, और हमारा लोकम आनंद जी ने वहाँ में एक तो ज़मीन ले लिया, वो ज़मीन हम लोग को रेडी करके देना पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल में बहुत डेवलपमेंट आ रहा है लेकिन ज़मीन नहीं है, हवा में प्रगति नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, आप लोग में से कोई आदमी गया होगा उस दिन साथ में, कोई था बंदा लोग, हम लोग जो गया है करसिंग साहब में वो 100% हम लोग ले लिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ बनेंगे, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान इधर ही है, वो छोटा छोटा लाइन में बन के आ रहा है, और सेप्टिक का तो आप लोग व्हाट्सएप में हमको फॉलो करने से कंटिन्यूस बन रहा है, अभी काम शुरू हो गया ज़ोरदार से, फन भी आ गया। हाल ही में उस दिन 56 करोड़ जो है अभी 4-5 दिन हो गया गवर्नमेंट इंडिया रिलीज किया अमृत में, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।